वेलकम गाइस। तो इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं, दैट इज कॉची इनक्वालिटी। इसका नाम क्या है? कॉची इनक्वालिटी। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, कि अगर एफ ऑफ जेड हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन है इनसाइड एंड ऑन अ सर्कल सी हैविंग अ सेंटर एट जेड नॉट। तो देखिए वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक जेड नॉट पॉइंट है, ठीक है, एक सर्कल, इसको सेंटर मानकर अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है और एफ ऑफ जेड जो फंक्शन है हमारे पास वो इस क्लोज्ड कर्व सी पे भी एनालिटिक है और इसके इनसाइड भी वो एनालिटिक है और इस डोमेन का जो रेडियस है वो हमें आर गिवन है। और अगर ये बोल रहा है कि एफ जेड जो फंक्शन है उसका मोड, उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू एम है ऑन सी पे, देन क्या होगा कि जो फंक्शन मेरे पास एनालिटिक फंक्शन है उसका जो nth डेरिवेटिव की वैल्यू होगी ना उस सेंट्रल पॉइंट के, दैट इज एट नॉट पे, ठीक है, उसका हमको क्या मिल जाएगा, एक अपर बाउंड मिल जाएगा। डेट इन मीन्स इसकी वैल्यू जो रहेगी हमेशा लेस देन और इक्वल टू रहेगी एम एन फैक्टोरियल एन अपॉन आर रेज टू पावर एन। ओके, तो देखिए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें एन पावर चाहिए ऑफ जेड नॉट की। तो लास्ट टाइम हमने एक रिजल्ट किया था तो उसी का रिजल्ट यूज़ करेंगे कि जो इंटेग्रल होगा, देखो एफ ऑफ जेड हमारे पास इस क्लोज कर्व सी पे बाउंड्री पे भी और इनसाइड एनालिटिक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो इंटेग्रल होगा हमारे पास ऑफ एफ ऑफ जेड फंक्शन डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट, उसकी अगर रेज टू पावर हम एन प्लस वन लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, टू पाई आइटा एफ रेज टू पावर एन माइनस वन, डेट इज एट अ पॉइंट जेड नॉट डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा कि जो इंटेग्रल है वो हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ से देखिए हम एफ रेज टू पावर जो nth डेरिवेटिव है जेड नॉट पॉइंट है उसकी वैल्यू निकाल देते हैं, तो वो आ जाएगी हमारे पास एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू पाई आइटा और इंटेग्रल आ जाएगा एफ ओ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट रेज टू पावर एन प्लस वन डी जेड। तो अब हमें इसकी मोड की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ से बोथ साइड इसका मोड ले लेंगे, ठीक है, और ये मोड अलग अलग हो जाएगा तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो इस मोड को अगर हम लेस देन इक्वल टू लिखेंगे तो ये एन फैक्टोरियल और आइटा का मोड हमारे पास वन हो जाता है। तो जब भी मेरे पास जो ये मोड है वो इंटेग्रल के अंदर जाएगा तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास मोड ऑफ एफ जेड आ जाएगा डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू मोड ऑफ डी जेड, ये बन जाएगा। तो देखिए जो मेरे पास ये मोड है z माइनस जेड नॉट, इसका जो मोड है वो r हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटेग्रल ऑफ f ऑफ z डिवाइडेड बाई r रेज टू पावर n प्लस वन इंटू मोड ऑफ डी जेड। और इस फंक्शन की वैल्यू जो है इस क्लोज कंटूर c पे हमें ये गिवन है कि जो f ऑफ z फंक्शन है उसका जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू एम है, तो यहाँ से ये लेस देन इक्वल टू एम हो जाएगा और हमारे पास टू पाई और ये बन जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू एम, भी हमारे पास बाहर आ जाएगा और सिर्फ अंदर बच जाएगा हमारे पास इंटेग्रल ऑफ डी जेड ओवर द कर्व सी। और ये हमारे पास एक सर्कल है तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा इसका सर्कमफ्रेंस, दैट इज टू पाई आर। तो डेट मीन्स तो आगे हमारे पास जो ये रिजल्ट बनने वाला है वो बन जाएगा आपके पास टू पाई से टू पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, दैट इज एम एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर रेज टू पावर एन। ओके, तो डेट मीन्स हमने ये इनक्वालिटी जो ये रिजल्ट है ये प्रूव कर दिया यहाँ से कि जो हमारे पास
इसका nth डेरिवेटिव रहेगा फंक्शन का उस पॉइंट पे जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी उसका हमें अपर बाउंड मिलेगा। और ये जो आप कोची इनक्वालिटीज का नेम है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम्स करने वाले हैं जिनका जो प्रूफ है वह पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आगे जितनी भी हम 3-4 थ्योरम्स करेंगे उन सभी में हम कोची इनक्वालिटी का यूज़ करेंगे और डायरेक्टली वहाँ पर कोची इनक्वालिटी का यूज़ किया करेंगे। तो होप सो आपको जो ये प्रूफ है काफ़ी ईजी प्रूफ है, कुछ भी नहीं करना हमको। जो लास्ट टाइम हमने ये रिजल्ट किया था सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ से, फिर इसका मोड है और मोड की वैल्यू लेकर जो भी हमारे पास इसको ये मोड और ये एम से रिप्लेस हो जाएगा और ये आर से रिप्लेस हो जाएगा और जो ये इसका इंटेग्रल है वो हमारे पास 2πr आ जाएगा। तो यहाँ से सिंपली हमारे पास एम एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर रेस टू पावर एन है, वो ईजिली जो है हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा। ओके और अगर आपको ये हमारी लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें।